बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। दोस्तों, पाकिस्तानी टीम के साबिक मायानाज ऑफ स्पिनर सईद अजमल ने भी पीसीबी को आड़े हाथों लिया है और जो टीम टी20 वर्ल्ड कप और उसके बाद सह मुल्की सीरीज के लिए मुंतखब की गई है उस पर उन्होंने खुलकर तनफीद की है। सईद अजमल का ये कहना था कि पाकिस्तानी टीम में जो डर कर खिलाड़ी खेलता है उसकी टीम में कोई जगह नहीं होनी चाहिए, बल्कि इसके मुतबादल जो मोटे प्लेयर हैं, फरबा प्लेयर हैं, वो टीम में खेल सकते हैं। उनका इशारा शर्जील खान और आज़म खान की तरफ था, क्योंकि शर्जील खान और आज़म खान का स्ट्राइक रेट जो है वो बहुत ही बेहतरीन है और वो दोनों ऐसे प्लेयर हैं जो बहुत ही कम बालों में बेहतरीन स्कोर करते हैं और तनतनहा मैच को कहीं से कहीं ले जाकर टीम की फतह में अहम किरदार भी अदा कर सकते हैं। उनका ये कहना था कि शर्जील खान और आज़म खान टीम में होना चाहिए थे, जबकि दूसरे जो दो तीन दीगर प्लेयर हैं मिडल ऑर्डर में, उनकी टीम में कोई जगह नहीं बनती, क्योंकि वो सिर्फ टीम में जगह बनाने के लिए खेलते हैं, डर कर खेलते हैं ताकि उनको टीम से बाहर कहीं निकाल ना दिया जाए। आप जानते हैं कि आसिफ अली, खुशदिल शाह और इफ्तिखार अहमद ने एशिया कप में जिस तरह से खेल का मुजाहरा किया, कोई भी मैच ऐसा नहीं है जिसमें वो बेहतरीन कारकर्दगी दिखाकर तनतनहा टीम को मैच जितवा सके हों। तो उसके अलावा उन्होंने मोहम्मद हारिस, जो विकेट कीपर बैट्समैन के तौर पर टीम में आए हैं, उन्होंने कहा कि उनकी जगह आज़म खान को टीम में लाना चाहिए था, क्योंकि वो अच्छे हार्ड हिटर भी हैं और उनकी जगह टीम में बनती थी, लेकिन हारिस को टीम में वापस लाया गया और आज़म खान को टीम से निकाल दिया गया। आप लोग भी जानते हैं कि पाकिस्तानी टीम की इस वक्त क्या जो है सूरत हाल चल रही है। बहुत से लोग और साबिक क्रिकेटर भी टीम पर तनफीद कर रहे हैं कि टीम में चेंजिंग होनी चाहिए। टी20 वर्ल्ड कप ये टीम बहरहाल नहीं जीत सकती, क्योंकि जो एशिया में बाउंस नहीं खेल सके तो वो फिर दूसरे ममालिक यानी जो ऑस्ट्रेलिया में जो मैचेस होने हैं वो किस तरह से बाउंस विकेट पर खेल सकेंगे और पाकिस्तानी टीम को टी20 वर्ल्ड कप जितवा सकते हैं। दोस्तों, आप इस वीडियो के बारे में क्या कहते हैं अपने कमेंट सेक्शन में ज़रूर अपनी राय से आगाह कीजिए। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह निगेबान।